हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और इस ब्लॉग में हम आज का ब्लॉग होगा अपने मकान से अब गांव की तरफ चलते हैं। कहीं लेके आना बता। तो तेरे पापा से पैसे दिला, मेरे पास पैसे नहीं है। किसकी दुकान मिलेगी? ले तो ले, 20 रुपये मजा आई कॉपी तेरी। पढ़े थे नहीं, पर तू तो सारी कॉपियाँ फाड़ देती है। वैसे पढ़ेगी तो इनकी दुकान मिल जाएगी, ले आ जाके, है ना। अब आप पहुँचे हैं हम घर। ये मेरा घर देख सकते हैं, सामने जो मकान है नया बन रहा है वो था। और पापा दिख रहे हैं, बाकी खेत पे बना हुआ मकान है, इसलिए आप देख सकते हैं। मेरा भी मकान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो पापा खेत पे जाने की तैयारी, इसलिए फावड़ा देख रहे हैं। तो चलते, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको मकान को सही से। तो मकान पे लिखा रखा है मैंने एक पपीता का पेड़, जिसमें काफ़ी सारे पपीता आ रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि कितने पपीते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कपड़े से बांध रखा है, लेकिन काफ़ी सारे पपीते आ रहे हैं इसमें, देख सकते हैं आप भी। कॉपी मिलेगी स्कूल से? ले कॉपी का कॉपी कर्सी। अभी रुपये दिए मैंने तो, ले कॉपी। बता कैसी कॉपी है? अभी इसकी कॉपी भर चुकी थी, तो एक कॉपी लेके आई है अभी पढ़ने के लिए। इसने बोला कि भैया मेरे लिए कॉपी दिला, तो इसलिए कॉपी दिलाई है। ये कॉपी है। केक लाई दो। कितने की दी है? 20 रुपये। ये दो कॉपी। ये किसकी है? एफ सीडिंग की। अच्छा, इंग्लिश की। और ये? अब पढ़ाई करेगी नहीं अच्छे से? और उसको मत देना, उनको क्या नाम है उसका, देवांशी को। बाबू मैं एक घंटा भी नहीं दूँ, बिसा भी नहीं दूँ बाबू तो। अब कितने कितने बजे की स्कूल, कितने बजे जाएगी? 10। तो हाँ, इनको इनको तक अंदर तक के जाए इसमें। अरे ड्रम बॉक्स पे तो जो बुक पर दिया। फेंक मत उसको। कैंसिल कटा है मामा। तो नहीं अच्छा, तो नहा धो के फिर स्कूल जाना है। साफ अच्छे कपड़े पहन के उसके बाद, हाँ उसके बाद अपना समझ लेना तेरे को। तो मैं हूँ अभी अपने घर पर, जहाँ पे हमारा खेत है, बोर है, यहाँ पे हमने मकान बना रखा है। तो हूँ, ये हमारा खेत है, ये मकान है, अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ है। वो पहले यहाँ पे रहते थे, जो झोंपड़ी बना रखी थी घास फूस के, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने छुट्टियों में आया था तो इसको साफ़ कर दिया। बाकी इधर देख सकते हैं हमारी भैंस बंधी हुई है, एक गाय भी बांध। ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता, घर पे जो देते हैं नाश्ते में, क्या घर पर जो मिल जाए खाने को वही खा लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नहाने, फिर होंगे जयपुर जाने के लिए रेडी। मम्मी को फोटो ले लो, ठीक है ना? चल
पता एक्स्ट्रा टाइम कुछ काम तो करूंगा ड्यूटी के अलावा। अब आप पहुंचे अपने रूम पर। रूम पर आ गए थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ है आए हुए, काफ़ी लेट हो गए थे रास्ते में इसलिए। बाकी देख सकते हैं मेरा रूम है और मेरी ड्यूटी भी डल चुकी है, तो अब ड्यूटी के लिए भी रवाना होना है। इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ड्यूटी है मेरी रात को 11 बजे से, इसलिए जाएंगे ड्यूटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे अगली बार थोड़ा अच्छा बनाने की और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कार्यशैली, दिन की प्रतिक्रिया सुबह से शाम से लेकर आपको बताने की। तो आप कमेंट जरूर करना। जय हिंद।